Good morning, everybody, and I welcome you all to this seminar. Very frankly speaking, I would ask you which language I should start, English or Hindi, or both will do. Because that is the what demand I get in Mumbai and other places that we speak in Hindi. So Hindi will okay? Hindi is okay with you? Okay. सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको ब्रीफ में. मेरा नाम श्यामल रंजन सिन्हा है. बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पास्ड आउट इन 1986 फ्रॉम आरी कॉलेज दुर्गापुर, विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. हालाँकि सुनने में आश्चर्य लगेगा इंजीनियर का क्या काम है स्टॉक मार्केट में, पर दिस इज़ हाउ कैसे शुरुआत हुई जर्नी. थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ, पास आउट करने के बाद मैं दिल्ली आ गया जॉब के लिए. I was working in a multinational firm, Schenck Avery Limited. वो balancing machine वगैरह बनाते थे. I was there as senior engineer. वहाँ काम करते करते कुछ मैंने एक दो कलीग थे, उनको देखा कि वो कुछ graph पे काम करते थे और manually वो भी, क्योंकि उस ज़माने में मैं आपको बताऊँ computer नहीं आया था. 386, 486 version computer hardly available था. computer की इतनी और internet तो बहुत दूर की बात थी. तो मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा दिस इज़ टेक्निकल एनालिसिस. मैंने कहा अच्छा किस चीज़ की है. एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरा इंटरेस्ट हुआ कि भाई ग्राफ तो हमने इंजीनियरिंग में भी देखे थे, क्या चीज़ के ग्राफ है. उन्होंने कहा इससे स्टॉक मार्केट का पता चलता है. फिर मैंने पूछा अच्छा ये क्या सिस्टम, क्या है इसका नाम क्या है. उन्होंने कहा इस सिस्टम का नाम है WD GAN सिस्टम. मैंने कहा ये कौन है. आज की डेट में मैं आपको कहूँ WD GAN क्या है, आप तुरंत गूगल पर सर्च मारोगे, आपको कम से कम 10,000 वेबसाइट मिलेंगे. मैंने उस समय ये ऑप्शन नहीं था. मैंने पूछा ये कौन है गैन, तो उसने बताया कि ये वर्ल्ड ने ओरिजिनल टेक्निकल एनालिस्ट अगर कोई हुए हैं तो वो हैं WD GAN, उसके बाद ही कोई आए. तो मैंने कहा इनकी क्या खासियत है, इनके बारे में बताओ और टेक्निक्स बताओ, क्या ये टेक्निक्स आप कर रहे हो. बोला टेक्निक्स हमें नहीं पता, मुझे किसी ने सिखाया था, मैं उसको फॉलो करता हूँ तो कई बार ठीक लगता है. मैंने कहा नहीं, अगर चीज़ सीखनी है तो पूरी सीखनी चाहिए. सो मैंने क्या कहा कि उनको चलो भाई इसके बारे में कुछ और पता करते हैं. बोला इनकी सारी किताबें वगैरह कुछ भी आपको मंगानी है तो आपको USA से मंगानी पड़ेगी. कुछ इंटरनेट नहीं था, जरिया नहीं था इन्फॉर्मेशन. मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे कलीग जो USA में पोस्टेड थे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ एक पब्लिशिंग कंपनी है जिसका नाम है लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग कंपनी, जो गैन की सारी किताबें बेचते हैं. आज भी वही है ऑथराइज सेलर गैन की किताबों की. जब कैटलॉग मंगाया उसमें से दो अच्छे किताब लगी मुझे, मैंने कहा इसको मंगाते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो दो किताब की प्राइस सुनी तो एक बार कहा कि ड्रॉप ही कर देते हैं आइडिया. दो किताब हमें कॉस्ट कर रही थी 1.5 लाख रुपए, एंड आज भी उसकी उतनी ही कीमत है. हालांकि इंटरनेट के आने के कारण कुछ पायरेटेड बुक्स मिलने लग गए हैं. जब 1.5 लाख सुनी, और उस जमाने में 1.5 लाख बहुत होता था, 10,000 रुपये मेरी सैलरी थी, मैंने कहा 1.5 लाख तो अपने बस की है नहीं खर्चा करना. अब किसी से पूछा भाई किस किताब के लिए, तो वो US में लोग भी परेशान थे कि भाई 10 लाख रुपये की या 1.5 लाख की किताब में क्या ऐसा है, 500 पेज की किताब है, ऐसी क्या होगी उसमें. खैर जी, मैंने किताब एक महीना वेट किया, 2-3 कलीग्स को और तैयार किए कि भाई मिल के पूल करते हैं, मंगाते हैं, भाई 25,000-30,000 रुपये खर्चा होगा तो शायद इसको अफोर्ड कर लेंगे. खैर जी, ऐसे ही करके हमने 4 लोगों ने मिलकर वो किताब मंगाई. वो 2 किताब आई जिसको एयरपोर्ट पे डिलीवरी लेने गए, उसके बाद तो 2-3 रात सोए नहीं, उसको पढ़ते रहे. और ईमानदारी की बात ये समझिए, वो बहुत बड़ा जुआ खेला था मैंने. 1.5 लाख से क्या होने वाला मुझे नहीं पता. जब वो किताब पढ़ी, पढ़ने के बाद 2-3 दिन के बाद भी ये समझिए कि 80% उस किताब की समझ नहीं आई. बातें अच्छी अच्छी लिखी थी, जो 20% समझ में आ रही थी, उसमें इंटरेस्ट भी जाग रहा था, पर 80% बात कुछ नहीं समझ में आई. हमने दोबारा अमेरिका फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई इसको कोई समझा देगा. उन्होंने कहा नहीं जी, हम किताब बेचते हैं, समझाने का काम नहीं है. परेशान हो गए. मैंने कहा बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, 20% से क्या काम करेंगे. खैर उस 20% को लगाना शुरू किया. और एक सच्चाई आपको ये बताऊं, उस किताब की 70% चीज़ आज भी नहीं पता मुझे, क्योंकि गैन किताबों में इतनी चीज़ें लिख के चले गए जिसको एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं है. हालांकि जितना
उस ज्ञान की किताब से मैं जान पाया, जितना समझ पाया, और पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस में मार्केट में जो समझ आया है ज्ञान सिस्टम में, आज इतना जरूर कह सकता हूं कि ज्ञान का ऑलमोस्ट 90% मुझे पता है, पर उस किताब का अभी भी 50-60% चीज नहीं मालूम, क्योंकि वो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसको एक्सप्लेन नहीं किया, पर वो जो करते थे, क्या क्या करते थे, बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। पर आप ये समझिए कि उस किताब को पढ़ने के बाद, तब दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज होता था, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पैदा नहीं हुआ था, और सबसे आरामदायक बात उस समय यह थी कि ट्रेडिंग सिर्फ 2 घंटे की होती थी, 12 से 2। आज जैसे 7 घंटे की ट्रेडिंग नहीं होती थी, आवाज लगा के ट्रेडिंग होती थी, रिंग जाना पड़ता था, मैं रिंग में भी गया हूं। आसफ अली रोड पर चला जाता था, मार्केटिंग का जॉब होने के कारण 2 घंटा नौकरी से निकाल पाता था, जाके ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना बहुत आसान होता था उन दिनों में, कोई भी आदमी अकाउंट खोल लेता था, इतनी सेबी वगैरह भी फॉर्म नहीं हुई थी, कोई केवाईसी नॉर्म्स नहीं था। ट्रेडिंग शुरू कर दिया, 2-4 ट्रेड अच्छे पड़े, कुछ प्रॉफिट भी आया, तो इंटरेस्ट बन गया, फिर दोबारा ट्रेडिंग और बढ़ाई, फोन पे भी कर लेते थे, एकदम से 1-2 ट्रेड में घाटा भी हुआ। जब घाटा हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई, मैंने सोचा ये घाटा हो रहा है, सिस्टम में कुछ गलती है, तो किताब दोबारा पढ़ना शुरू किया। उसको कहते हैं, कहावत है, रीड इन बिटवीन द लाइंस। तब कुछ और मीनिंग समझ में आई कि नहीं, ये तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिक स्टेप उठाया, आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब 1-1.5 साल के अंदर ही। जब रिजाइन किया तो परिवार वालों, जो समाज में लोग हैं, जो दोस्त हैं, सबने ये कहा कि क्या काम कर रहे हो तुम, 4 साल इंजीनियरिंग की बर्बाद कर दिए तुमने, और आज इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के तुम जुआ खेलने जा रहे हो। इनफैक्ट बहुत ही घटिया नज़रों से देखा जाता था उस समय शेयर बाजार को। आज भी माहौल पूरा नहीं बदला है, लेकिन कुछ बदल रहा है। मतलब उस जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अगर जो आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो कोई बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा आपके यहाँ, कि भाई ये तो जुआरी आदमी है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और ये सच्चाई है। मेरा लॉजिक और आर्गुमेंट एक ही होता था उन दौरान, जब मैं शेयर बाजार में काम करने के लिए आया, कि ये जुआ नहीं है। स्पेकुलेशन किसको कहते हैं? जो भी 50-50 होता है उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। सपोज मैंने क्वाइन उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, इसका डिपेंड करता है 50-50%। अगर ये जुआ है, 50-50% है, तो आई वुड नॉट प्रेफर स्टॉक मार्केट। मैं कैसीनो चला जाऊंगा, ताश खेल लूंगा, शेयर बाजार कभी नहीं आता। मेरा लॉजिक एक ही था, आई कैन मेक दिस प्रोफेशन, आई कैन टेक इट एज ए प्रोफेशन, और इसको मैं 50-50 की जगह 70-30, 80-20 अपने फेवर में बना सकता हूं। ये पॉसिबल है मेरे द्वारा। जब मुझे ये समझ में आया, मैंने कहा फिर ये प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, ये जुआ नहीं रह गया, और मैं डिटरमाइन होके अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। और फैमिली वालों ने ये कह दिया कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी, जो करना आप करो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए, आपने आप खुद देखो। और आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग करियर विद जस्ट 10,000 रुपीज, क्योंकि वही बचा था किताब विताब खरीदने के बाद। 10,000 रुपीज से मैं शेयर बाजार में ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोल दिया। और उस समय आराम एक बहुत अच्छा ये था कि तब हर शेयर में फ्यूचर एंड ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं था, फ्यूचर था। हर शेयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता था और कोई लॉट साइज नहीं था। आप चाहो तो 10 शेयर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे उस जमाने में। लॉट साइज आने पे कुछ प्रॉब्लम जरूर हो गई है, क्योंकि जो कम पैसे वाले व्यापारी हैं वो काम नहीं कर सकते। तो उस समय मैं 10 शेयर ACC के या 5 शेयर रिलायंस के भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता था, 2-2 साल। हर वीक बदला होता था, हर अभी मंथली सेटलमेंट होता है, तब वीकली सेटलमेंट होता था। 10,000 लेके मैं कूद पड़ा। दिल्ली मेरा अपना शहर नहीं था, पराया शहर था, उस समय मैं बाहर से आया था। और दिल्ली जैसे शहर में 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 20 साल निकाल दिए ट्रेडिंग करते हुए। आई हैव ट्रेडेड फॉर लिविंग। मैंने, कई लोग करते हैं कोई और काम हो साइड में, चलो ट्रेडिंग कर लो, कभी घाटा हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, कुछ हो गया। मैं ऐसे हालात से भी गुजरा जब देखा कि अगर प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कल रोटी नहीं मिलेगी। ऐसा टाइम
देख के शेयर बाजार से पैसा कमा के अल्टीमेटली निकलना, और उसमें भी ऊंच नीच अच्छे बुरे टाइम भी देखे, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, पर उस दौरान से निकलते आया और 20 साल सक्सेसफुली अपने आप को खड़ा कर पाया। ये पढ़ाने का वेबसाइट बनाया करीब 3-4 साल पहले, पढ़ाने लिखाने का काम सब 2-3 साल पहले शुरू हुआ है।